क्लब तो बहुत बढ़िया बना दिया है भीखा। ये लो चुकोटिया साहब, इस रिबन को काट दो और मेरी छोटी सी डांस डांस क्लब को अपनी राजनीति की छत्र छाया में जगह दे दो। वाह वाह। अरे वाह, ये तो परियों की सभा है रे भीकू। टेंशन। खत्म, साला सारा खेल खत्म डीएसपी। अब ऐसा करो, दो हथकड़ियां लाओ, एक मेरे हाथ में डालो, दूसरी खुद पहन लो। लेकिन सर, मैं कर भी क्या सकता था? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गधे की पीठ पर वकालत की किताब रखने से गधा वकील नहीं बनता, ये आज मुझे मालूम हुआ है। सर मेरी बात समझिए सर, जगदीशन को रोकने के लिए मैं वहां पहुंचा ही था, तब तक वो उन लोगों को उस लड़की से मिला चुका था। नया नया धोबी है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही साबुन लगा रहा है। खैर, वो क्या तुम्हारा वो जंजीर वाला? साले उस जंजीर वाले के होशियारी को तो मैं ट्रांसफर की कागज की पूड़ी में बांधकर दे दूंगा। हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे, ना ही वो लड़की का भाई। भाई? हाँ, वो भाई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिगाड़ सकता है तो वो अखबार जिसका नाम है भारत नगर टाइम्स। अरे जितने घर मुझे वोट देते हैं ना, उससे कई ज्यादा घरों में पढ़ा जाता है वो अखबार। मैं उस डिसोजा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सारी कथा छाप देगा वो, कुछ नहीं छुपाएगा। हमें सबसे पहले उस डिसोजा को रोकना होगा। तुम्हारा खाना लाई हूं दादी। देखो मेरी, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, मत डिस्टर्ब करो आज मेरे को। क्या है कि आज तुम्हारा जबरदस्ती भी नहीं चलेगा, बोल दिया। पहले काम करेगा फिर तुम्हारा खाना खाएगा। तो ठीक है, आज हम खाना तुमको अपने हाथ से खिलाएगा, तुम्हारा काम भी होता रहेगा। हम नहीं खाएगा ये खाना अभी, बस बोल दिया। दादी मुंह खोलो। दादी कितना तूफानी रात है। ये भी क्या तूफान है? अरे तूफान तो कल आएगा, भारती की निर्दोषी का तूफान, जो सारी नाइंसाफी और जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। हाँ, तुम देखना मेरी, वो तूफान आएगा, तूफान आएगा जरूर, और इस पेपर से आएगा जो हम छापेगा। कल भारत नगर का हर आदमी ये जान जाएगा कि भारती बिल्कुल बेकसूर है। इतना काम आ गया डिसूजा कि खाने तक की फुर्सत नहीं। क्या छाप रहे हो? लड़की की बेगुनाही? डर नहीं लगता तुम्हें? किसका डर? तेरा, जो खुद सच्चाई से डरता है। नहीं, मैं सच्चाई से नहीं डरता, वो मेरे से डरती, क्योंकि मैं खुद उसका गला दबा देता हूं। तू अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा। डिसूजा की संभाल है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं छापोगे, वरना मैं जिंदगी की किताब से तुम्हारे नाम का पन्ना फाड़ दूंगा। अवश्य ये धमकी है ना, ये अपने उन पिल्लों को दे जो सारा तेरे टुकड़ों में फंसे। ये हमारा पैसा है और यहां वही छपेगा जो सच होता है, समझा?
हाथों से लिखता है ना डिसूजा, बहुत लिख चुका है, बहुत लिख चुका है। ट्राई खत्म हो गया, अपना अपना खून से छापेगा। भारती का बयान अब उन छाप के रहेगा। भीख मांगनी है तो भीखा सेठ से मांग, भीखा सेठ से। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.